हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर न्यूक्लियाई। ये आपका यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई का ही नया चैप्टर है न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही हम डिस्कस कर रही हैं। आपके बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक कट हो गए हैं तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो यही है कि जो एटम होता है, इस रदरफोर्ड मॉडल में, बोर मॉडल में भी ये बात बताई गई है कि आपका एटम होता है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जब एटम है तो एटम का जो किसी भी एटम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी न्यूक्लियाई को, वो जेड एक्स ए के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इस तरीके से जेड एक्स ए इस तरीके से लिख के किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड क्या होता है, जेड इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ नोन एज मास नंबर। जब आपका एटॉमिक नंबर इज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपके प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं, एंड एज वो सिस्टम जो आपके एटम होते हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो आपका नेचुरल स्टेट पे होता है, नेचुरल स्टेट पे क्या होता है, कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो दोनों का नंबर सेम है, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। सो एज अ होल सिस्टम आपके एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से कुछ एटम्स के बारे में बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोग को अच्छे से पता है। इसी के बाद है हमारे आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ये सेम चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी है, हम इसको बस एक बार रिवाइज करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं इन एटम्स का, इन न्यूक्लियाई का, जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मीन्स अगर न्यूक्लियाई का दो न्यूक्लियाई है हमारे पास और दो एटम्स हैं, उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूक्लियाई को बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर सेम होता है बट क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड डिफरेंट होता है, तो दीज काइंड ऑफ न्यूक्लियाई नोन एज आइसोबार्स। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स का आपका जेड भी डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, बट इनमें जो इन न्यूक्लियाई में, इन एटम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, तो यहाँ से एन इक्वल टू एन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन विल बी इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस पी ना मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, सो एन विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइसोटोन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, आइसोबार में क्या होता है, आपका मास नंबर सेम होता है, एंड आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इस तरीके से न्यूक्लियाई को आपस में कंपेरिजन करने पर आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, एटम्स के आइसोटोप, एटम्स के आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एंड एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, और आउटर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये आपस में क्या है, इनको ये एक दूसरे से एकदम बाउंडेड है ना, ये ऐसा तो नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर भाग नहीं रहे हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये आपका न्यूक्लियस के अंदर हैं, स्टेबल हैं। तो क्यों हैं, ऐसा क्या है, कोई एनर्जी है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलकर जो न्यूक्लियस बना रही हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इनको जो बाइंड हुई है, ये जो बाइंड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो कोई एनर्जी है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई एनर्जी है जिसने इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में क्या कर रखा है, बांध कर रखा हुआ है, दैट एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वो एनर्जी होता है जिसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में एक तरीके से बाइंड करके रखा हुआ है।
तो कॉन्सेप्ट वही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियंस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस कौन से हैं, न्यूक्लियंस आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये इनका ये बाइंड इनकी बाइंडिंग हो रखी है। तो इनकी बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो वो कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट में कुछ कंक्लूजन निकला था। ये कंक्लूजन निकला है कि मास ऑफ न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास है मान लीजिए कि एम पी, न्यूट्रॉन का मास है एम एन, ठीक है, एंड न्यूक्लियस का टोटल मास मान लीजिए कैपिटल एम। तो ये एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ प्रूव हुआ है कि जो आपका न्यूक्लियस का मास है, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो आपका जो ये न्यूक्लियस का जो मास टोटल कैपिटल एम है, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जो ये न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, बट वो इक्वल नहीं होता है। जो आपका न्यूक्लियस का टोटल मास नेट मास होता है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का जो मास है इनके सम से थोड़ा उन सम से कम होता है। मीन्स जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियंस है, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो होता है ये न्यूक्लियस के जो टोटल मास कैपिटल एम है उससे ज़्यादा होता है। मतलब कुछ ना कुछ मास का यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस हुआ है, कोई ना कोई मास में क्या आई है, कमी आई है। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियंस के मास से कम है, तो मतलब कुछ यहाँ पे मास का क्या आया, डिफेक्ट आया है, वहाँ पे मास का कुछ क्या आया है, डिफेक्ट आया है, एंड दैट डिफेक्ट ऑफ मास नोन एज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियंस मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मान लीजिए कैपिटल एम है। क्योंकि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जनरली होना चाहिए कि आपका न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होना चाहिए, बट इन रियल ऐसा होता नहीं है। मतलब वहाँ मास में कोई ना कोई आके आ गया, डिफेक्ट आ गया है, दैट डिफेक्ट ऑफ मास नोन एज मास डिफेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू डेल एम। इसको डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये जो मास डिफेक्ट आया, जो ये मास में कमी आई है कि प्रोटॉन और न्यूक्लियंस का जो मास है उससे आपका न्यूक्लियस का मास कम है, तो जो ये मास में कमी आई है, दिस मास प्रोवाइड एनर्जी फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाइंडिंग हो रखा है, उस बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी किससे मिली है, वो एनर्जी इस मास डिफेक्ट से मिली है। न्यूक्लियंस के जो मास में कमी आई है, यही क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म करता है न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का बाइंडिंग होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के आपके एलिमेंट्स हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियंस के मास के सम से कम है, मतलब न्यूक्लियंस के मास में कुछ ना कुछ क्या है, डिफेक्ट आया है, कुछ ना कुछ कमी आया है। अब ये कमी क्यों आया है, क्योंकि इनके जो मास का डिफेक्ट है, जो इनके मास में कमी आई है, अब इनका जो कुछ एनर्जी है उसने क्या किया है, एक बाइंडिंग एनर्जी, उससे क्या होता है, जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन्स है उनको बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, ये मास डिफेक्ट है, वो इसी का रिजल्ट है। मास डिफेक्ट वो एनर्जी फॉर्म करता है जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस में बाइंडिंग कराए रहता है, जिससे बाइंड किए रहता है। सो बाइंडिंग एनर्जी ई विल भी आपका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, ई इक्वल टू होता है फॉर्मूला एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का फॉर्मूला है ना, आइंस्टीन का ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज विल भी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में कौन सा मास यूज हुआ, ये डेल एम। जो न्यूक्लियंस का मास में कमी आया है, न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियंस के मास से कम है, तो न्यूक्लियंस का मास जो ये यूज हुआ है, जो मास इसका कम हुआ है, जो मास डिफेक्ट आया है, यही मास तो आपका एनर्जी फॉर्म करता है फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी मिलती है वो इस मास डिफेक्ट डेल एम से मिलती है। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। पर न्यूक्लियंस मतलब न्यूक्लियंस एज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूक्लियंस क्या है आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं।
तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, तो जो आपका मास नंबर, तो हर एक इंडिविजुअल प्रोटॉन या एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन पर कितना बाइंडिंग एनर्जी होता है, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विल बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर बाई ए। क्यों? देखिए, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी है पूरे न्यूक्लियस के लिए, ए न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल ओवरऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी है डेल एम सी स्क्वायर। तो हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के लिए, मतलब वन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियॉन पर कितना बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर बाई ए। सो डेल एम सी स्क्वायर बाई ए इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी किस तरीके से वैरी करता है, ऐसा ग्राफ है, इसके लिए प्रॉपर नोट्स आपको दिया गया, आप वहाँ से रीड कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो बता रही हूँ कि आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग और की है ना, वो न्यूक्लियस के बाहर क्यों नहीं स्प्रेड हो रहे हैं, उनका स्कैटरिंग क्यों नहीं हो रहा, वो कहीं और मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बंधे हुए हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में उनका बाइंडिंग और का है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो मतलब वहाँ पे एक एनर्जी कुछ ना कुछ वर्क कर रही है और उस एनर्जी ने उनको आपस में बांध कर रखा हुआ है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी मिलता है जो मास डिफेक्ट आते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उनके मास का ही कुछ पार्ट उस एनर्जी को फॉर्म करता है, एंड दैट एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास, मान लीजिए प्रोटॉन का मास एम पी है और न्यूट्रॉन का मास एम एन है, तो इनका जो सम होगा एम पी प्लस एम एन, ये आपका न्यूक्लियस के मास के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें से कुछ पार्ट मास का क्या होता है, यूज होता है बाइंडिंग एनर्जी में, और जो न्यूक्लियस का जो आपका नेट रिजल्टेंट मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। जो न्यूक्लियस का मास होता है न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ से कुछ पार्ट ऑफ जो मास होता है, मास डिफेक्ट जो होता है वो आपका बाइंडिंग एनर्जी में, वो न्यूक्लियॉन्स के बाइंडिंग में यूज हो जाता है। जो मास डिफेक्ट का ये डेल है, कुछ मास जो होता है वो आपका क्या होता है, उससे एक एनर्जी फॉर्म करता है बाइंडिंग एनर्जी, जो उन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखी रहती है। एंड आपका बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो मास आपका बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मास इज इक्वल टू डेल एम मास इफेक्ट, सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ये टोटल न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स है सभी का टोटल जो मास नंबर ए है, मास नंबर ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास का नंबर होता है मास नंबर। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके ए होते हैं, ए न्यूक्लियॉन्स के लिए एनर्जी है आपका डेल एम सी स्क्वायर। तो पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन के लिए आपका, या फिर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन पर जो आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर बाई ए। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, आपके कुछ पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, दो मान लीजिए दो एटम है या दो न्यूक्लियस, इनका आपस में कोई भी रिएक्शन हुआ उससे आपको रिजल्टेंट कुछ डॉटर एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो जब आपके पेरेंट है या आपके डॉटर, ये आपका रिएक्शन है ए और एक्स, ये एक्स एटम है, ठीक है, इस पे इसका ए से रिएक्शन हुआ है, ए से रिएक्शन के बाद इसका क्या हुआ, वाई एलिमेंट मिला है और कुछ आपका बी मिला है, वाई और बी आपको मिला है। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए प्रॉपर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर ए और एक्स हैं तो ये ए और एक्स ही रहेंगे, ये ए और एक्स वाई और बी में कन्वर्ट क्यों होंगे, अगर ए और एक्स को वाई में आपस में मिलाकर वाई और बी में कन्वर्ट करना है तो उस रिएक्शन के लिए, उस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, दैट एनर्जी क्यू विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम बी प्लस एम वाई सी स्क्वायर। ये आपका एक तरीके से डेल एम सी स्क्वायर के ही इक्वल है, डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम कैसे हो जाएगा, मास ऑफ, यहाँ पे देखिए पेरेंट का मास क्या है, एम ए प्लस एम एक्स, पेरेंट मास क्या है, एम ए प्लस एम एक्स, आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एम ए प्लस एम वाई। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई एम बी प्लस एम वाई, मीन्स मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस, दैट विल बी इक्वल टू डेल एम। जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं उनका मास, और जो आपको डॉटर न्यूक्लियाई मिला है वो आपका क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई के मास से कम है, मतलब इसका कुछ मास, कुछ पार्ट क्या हो गया है, वो आपका एनर्जी के टर्म में क्या हो, कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि देन यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी भी इस प्रोसेस के लिए चाहिए होगी,
या तो एनर्जी का यहाँ पे एमिशन होता है या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो दैट क्यू विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम बी प्लस एम वाई सी स्क्वायर, एक तरीके से आपका डेल एम सी स्क्वायर है। मतलब किसी रिएक्शन को प्रोसेस के लिए भी एक प्रॉपर एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू विल बी इक्वल टू, अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन दिया गया है, दैट एनर्जी ऑफ क्यू विल बी, एनर्जी क्यू विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम एक्स सी स्क्वायर माइनस एम बी प्लस एम वाई सी स्क्वायर। मेन जो आपके पेरेंट न्यूक्लियाई है उनका मास, उनका एनर्जी, माइनस जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई है उनका एनर्जी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी, दैट पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज फॉर दिस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जो प्रॉपर एनर्जी चाहिए होता है वो कहीं और से नहीं आती है, यहीं से आपको वो एनर्जी कहते हैं एब्जॉर्प्शन होता है या फिर एनर्जी का एमिशन होता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो आपने इससे पहले काफ़ी क्लासेस में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, वो स्टेबल स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या होता है, इसका स्प्लिटिंग हो जाता है कि एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई है, कोई बड़ा एटम है, बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, वो क्या अनस्टेबल स्टेट पर है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल U235 होता है, U236 होता है, इनमें क्या होता है न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ये आपका स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। सो दिस प्रोसेस, एक हैवियर न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियाई में जो ब्रेक होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। एक हैवी न्यूक्लियाई का स्मॉलर न्यूक्लियाई में जो स्प्लिटिंग होता है, दिस प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं बट वो क्या है, लाइटर हैं, ठीक है। तो लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होती है, आपस में फ्यूज करते हैं, इनका आपस में क्या होता है बॉन्ड बनाते हैं, और ये करके ये आपस में मिलकर एक नया हैवी स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक स्प्लिटिंग नोन एज न्यूक्लियर फिजन, एंड लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियाई का एक स्टेबल न्यूक्लियस में जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, इनके रिएक्शंस जो है वो आपको नोट्स में दिया गया है, आपको नोट्स में से इसको रीड करना रहेगा, बहुत सिर्फ लॉजिक है वो हमने समझाया हुआ है, बाकी तो नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको उनको रीड करना है, उसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अच्छे से समझना है, और इन पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के पर्पज़ से हैं उसका भी PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है। थ्योरी पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर आप अपने नोट्स में से दीजिएगा। जो आपको PDF दिया गया है क्वेश्चंस का, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको जो PDF में जो बुक का नोट्स, जो बुक का आंसर दिया गया, आप वही सेम आंसर लिखें, लॉजिक सेम होना चाहिए, आंसर आप कहीं से भी लिख सकते हैं। अब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आंसर आपको जो नोट्स में है, नोट्स में जो मैंने आपको नोट्स में जो आंसर्स लिखाए हैं, आप क्वेश्चंस को देख के आंसर अपने नोट्स में से सर्च करके जो करेक्ट आंसर उसको लिखिएगा। थैंक यू।